अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आप भी ठीक होंगे। यहाँ पे जी निकले हैं हम बाहर, मैं और अबू बकर। तो मुझे कुछ काम था बाहर, तो मैं और अबू बकर बाहर है, काम हमारा हो गया ना। तो मैंने अबू बकर को बोला कि आपको मैं नाश्ता कराती हूँ, तो उसने कहा ठीक है। तो यहाँ मैं आई थी हलवा पूड़ी की शॉप पर, तो अबू बकर ने लिया हलवा और पूड़ी और साथ चने मिले थे, तो मैंने चने ले लिए, साथ मैंने अपना एक नान मंगवा लिया, क्योंकि पूड़ी ना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो फिर जब अबू बकर अपना चने नहीं खाता ना, तो चने आते हैं मेरे हिस्से में, तो मेरा भी नाश्ता हो जाता है। इससे हम एक नाश्ता लेते हैं और हम दोनों जो हैं वो कर लेते हैं। और जी साथ अचार पड़ा हुआ था, तो मुझे अचार देखने बिल्कुल भी रहा नहीं गया, तो मैंने थोड़ा सा अचार जो है ना वो साथ ले लिया, और नाश्ता हमारा डन हो गया। फिर हम लोग घर पर गए, थोड़ा आराम किया, थोड़ा काम किया। उसके बाद जी आज था अबू बकर का डे। अबू बकर को ना कुछ कपड़े लेने थे, तो हम यहाँ आए थे सियालकोट में ना, ब्रांड विलेज यहाँ पर ओपन हुआ कुछ सालों से, तो यहाँ पे 2-3 बार आ गए, इतना रश नहीं होता है, लेकिन अच्छी जगह बनी हुई है। छोटा सा सियालकोट है हमारा, तो ना इतनी ज़्यादा जगह नहीं है हमारी फिरने फिरने वाली ना, थोड़ी सी है, तो बस जितनी है हम उसमें इंजॉय कर लेते हैं। अबू बकर गया था मोटर बाइक खड़ी करने के, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ से हम गुजर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। अभी मौसम अब जो है काफ़ी ठंडा सा हो गया हुआ है, तो बड़ा मज़ा आता है रात को बाहर निकलने का। यहाँ वन जो शॉप है ना, उस पर हम लोग आए थे, यहाँ पे ना साथ ही एक शॉप थी, यहाँ कपड़े लगे थे। मैं इधर जाने लगी, अंदर बकरे कहते नहीं जिस काम से आए हो ना उस काम पे चलो। तो फिर हम लोग यहाँ भी ऊपर आ गए, क्योंकि जो बॉयज़ सेक्शन था ना वो ऊपर है। तो यहाँ अब बकरे के लिए मैं भी कपड़े देख रही हूँ, वो भी अपने लिए कपड़े देख रहा है, तो वो यहाँ पर ट्राई कर रहा है। तो शूज़ वगैरह पे यहाँ पर ना ज़्यादा सेल लगी होती है, 50% या 30%, तो ना चीज़ मुनासिब ही दर होती है, इतनी महंगी नहीं होती है, बल्कि महंगी भी होती हैं, लेकिन हम लोग वही देखते हैं जो मुनासिब है। अबू बकर अपने देख रहा था, तो मैं यहाँ कुछ शर्ट देखने लगी। मुझे यहाँ शर्ट बड़ी प्यारी लग रही थी, बच्चों को पहनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ना यहाँ पे मुझे ये मैं देख रही थी कितनी कलरफुल शर्ट्स हैं। गर्मियों के कपड़े भी यहाँ पे होते हैं और ना सर्दियों के भी होते हैं। यहाँ अबू बकर अपने जो है ना वो शर्ट पसंद कर रहे हैं, तो चेंजिंग रूम जो है ना वो भी हाल ही नहीं था, तो मैंने कहा अबू बकर अब यहाँ जो है ट्राई कर लो। तो यहाँ वो कपड़े पहन के देख रहे हैं अपने, तो ये शर्ट तो पसंद आई थी लेकिन इसका साइज़ नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलो ये ना लो, कुछ ना खुली खुली थी तो मुझे आने का ना लो, क्योंकि फिर ना छीन लगती है कपड़ा, जब यूज़ करते हैं थोड़ा और खुल जाता है, फिर ज़्यादा खुली हो जानी है। और ये बड़ी प्यारी प्यारी शर्ट लगी थी, ज़्यादातर ना वन पे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली शर्ट नहीं होती, सिंपल होती हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होते हैं सिंपल, इसमें प्लेन ज़्यादा होती हैं, तो अच्छी लगती हैं पहनी भी, तो बड़ी कलरफुल थी। तो बकरे बस वही जिसको पसंद आ रही थी। उसके बाद ये सेकेंड फ्लोर पर ना यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह खाने पीने की चीज़ें बनी थी, तो यहाँ मैं आई थी बटर फ्राई पर। तो यहाँ हमने ना कबाब लिए थे, रेशम कबाब और ना मलाई बूटी ली है, तो यहाँ पे हमने खाया ये मैंने ना बट कढ़ाई जो है ना हमारे मैकडोनल्ड्स है पास ही, वहाँ पे भी खाई है, बड़ी अच्छी होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ मैंने ट्राई करी इतनी अच्छी नहीं मुझे लगी। एक तो ये ठंडा बहुत हो गया था, क्योंकि जहाँ मैकडोनल्ड्स के पास जो बट कढ़ाई है ना उसमें वो सीजनिंग ट्रे होती है ना उसमें देते हैं, जो खाना एंड तक गर्म रहता है बड़ा मज़ा आता है, उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा है, ये इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। हमने ना ज़्यादा चीज़ नहीं ऑर्डर की थी, बस हमें थोड़ी बहुत भूख थी, तो हमने ये खा लिया था, तो हम दोनों इसी से काफ़ी फुल हो गए थे। तो ये हल्की सी जो है ना यहाँ पे बनी हुई है एरिया बना हुआ, सारी फैमिली बैठी थी, मुझे मज़ा आता है ओपन एरिया में, लेकिन ओपन एरिया में ना जगह नहीं थी, फिर इस वजह से मंदिर आ गए। और ये बाज़ार गई थी, तो मैं ना ये जो सेंटर टेबल है ना मेरा, उसके लिए मैं ये लेके आई थी कवर, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं काफ़ी कवर देख रही थी, मेरा दिल कर रहा था मार्बल या टाइल्स स्टाइल का जो होता है ना वो हो मिले मुझे कवर, तो मुझे बड़ा अच्छा ही मिल गया था। उसके ऊपर ना मैंने इस तरह प्लास्टिक की जो है ना ट्रांसपेरेंट शीट बिछा दी थी, इस जो नीचे वाला जो होता है ना कवर वो काफ़ी अच्छे ना मतलब ख़राब नहीं होता। और जी मैं गुजर रही थी, तो यहाँ पे ना मैंने देखी नवेर पे एक ना सेल लगी हुई थी हमारे पास ही, तो मैंने कहा चले गई हूँ अंदर, तो मुझे ये ब्रश और ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चले नवेर पे में महंगा नहीं है, अगर तो ठीक रहा तो फिर ठीक है, वरना फिर अगर चेंज करना मैं कर लूँगी अगर ख़राब हो गया तो ये मैंने लिए। इसके बाद ये कपड़े मैंने बुक करके लिए हैं, अच्छा वन से भी उसने लिए हैं कुछ कपड़े, और ब्रेकआउट से एक पैंट ली है, ज़्यादा कपड़े उसने वन से ही लिए हैं। तो यहाँ पे उसने ना लिया अबू बकर ने एक जो है ये लिया हुडी ली है ब्लैक कलर में, इसको अच्छी लगी थी तो उसने ये ले ली, इस पर ना इस तरह कपड़ा लगा हुआ सारे फ्लावर बना हुआ है प्रिंट हुआ हुआ है, तो ब्लैक कलर में ये लिया है। उसके अलावा जी ये एक ब्लैक ट्राउज़र लिया, इसका गर्म ट्राउज़र है सिंपल से ये बिल्कुल, ये भी अच्छा बना हुआ था। साथ की ये पैंट ली है जीन्स की, ये पैंट है हल्की सी जो है ना मतलब बिल्कुल टाइट नहीं है, ये ना इस तरह जो होती हैं रफ़ पैंटें होती हैं इस तरह की, लेकिन नीचे से ना वो नज़र आने वाली नहीं है कपड़ा लगा हुआ, ये ऊपर वाली साइड थोड़ी सी जो है ना वो इसके आगे कपड़ा नहीं लगा हुआ। तो बकरे पसंद आ रही थी, मैंने इसको कहा चलो ले लिया, वैसे मुझे थी ना पसंद नहीं इस तरह की पैंटें, कि मैं कहती पैसे दे के अभी आपने बड़े हुए कपड़े खरीदने तो क्या फ़ायदा, बस बच्चों को शौक है ना फिर वो ले लेते हैं।
और यहाँ ये ब्रेकआउट से एक पैंट ली थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। जब बच्चे छोटे थे ना तो मैं इनके लिए स्ट्रेट पैंट खरीदती थी, लेकिन आजकल जिस तरह के फैशन है बच्चे उस तरह के पहन लेते हैं, तो ये आजकल ना बहुत चल रही, तो मैंने कहा बकर आप ये ले लो, तो उसका भी उसको भी अच्छी लगी, तो ना उसने ये ब्रेकआउट से पैंट ली है, बस स्ट्रेट पैंट है, पैंट है थोड़ी खुली है, बड़ी प्यारी सी है ये इसकी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हुई भी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली पैंट जो है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं, सिंपल अच्छी लगती हैं। और ये एक उसने ली थी हुडी, इधर से वन से ली है, ये बिल्कुल प्लेन सी है, रेड कलर में, बड़ी प्यारी है। इसके ना इस तरह गले में बस बटन लगे हुए हैं और साथ में हुडी बनी हुई है। और ना एक और उसने शर्ट ली है, वो उसने पहन ली थी। इसके साथ मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें और हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।